तब आपने हर उस कार्य हेतु एक एक ग्लास दूध लाने को कहता है। अगले दिन जब उसके सारे स्टूडेंट दूध लेते हैं तो वो उनके सामने भगवाना रख देता है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देता है ताकि सारा दूध भगवाने में छन के जाए, और फिर बारी बारी करके अपने हर एक स्टूडेंट को उस भगवाने के अंदर दूध डालने को कहता है और खुद कहीं चावल और चीनी लेने चला जाता है। ठीक उसी बीच एक लड़का सबसे नजर चुरा कर उस भगवाने के अंदर दूध नहीं पानी डाल देता है। बस यही सोचते कि सबको भगवाने में दूध डाल ही रहे हैं, मेरे अकेले के पानी डालने से घंटा फर्क पड़ेगा। वो टीचर जब वापस आता है और देखता है कि उसके सारे स्टूडेंट भगवाने में दूध डाल चुके हैं तो वो दूध लेने के लिए भगवाने में से कपड़ा उठाता है। सिवाय पानी के और कुछ था ही नहीं। ये है तुम युवाओं का इंडिया, जा साला खीर तो हर कोई खाना चाहता है पर दूध लाने का दाम सबको महंगा लगता है। डेवलप इंडिया चाहते हो ना तुम? डेवलपिंग इंडिया के तौर से भी गुजरने की औकात नहीं है तुम्हारी। और हाँ, एक बात और, अभी तो दूध की जगह पानी डालने वाले केवल और केवल 35% है। 2020 में जब यह आंकड़ा बढ़कर 64% हो जाएगा ना, तब क्या करोगे आप? पता नहीं क्या